सो हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में लॉरेटो कॉलेज का रिव्यू दिया जाएगा तो वीडियो में बने रहिएगा लॉरेटो कॉलेज कोलकाता का जो भी एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा एडमिशन से लेके कट ऑफ से लेके फीस स्ट्रक्चर एवरीथिंग बताया जाएगा सो तो वीडियो में बने रहिए ठीक है जैसे मैं पहले बता देता हूँ कि एड्रेस क्या होता है उस कॉलेज का जो भी कॉलेज का रिव्यू क्या होता है तो सबसे पहले आप एड्रेस यह देख सकते हैं सेवन सर विलियम्स जोन सरानी फॉर्मली नोन एज सर विलियम जोन्स सरानी कोलकाता वेस्ट बंगाल सेवन लैक सेवेंटी वन यहाँ पर कॉलेज का फ़ोन नंबर भी दिया है यहाँ से आप कांटेक्ट भी कर सकते हो उसके बाद मुझे बता मींस कि इसका और ये एड्रेस से आपका नियरेस्ट लोकेशन मींस कि ये ये एड्रेस पड़ता है कहाँ ये एड्रेस आपका पार्क स्ट्रीट एरिया में पड़ता है और यहाँ जाने के लिए नियरेस्ट बाय मेट्रो में जाते हो तो आप नियर्स्ट मेट्रो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपका मैदान पड़ेगा मैदान या पार्क स्ट्रीट आप उतर के बाय वॉक भी जा सकते हो ये था मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन ये इसका एड्रेस था ठीक है अब डिटेल्स में जानने के लिए मुझे इसका वेबसाइट में जाना पड़ेगा वेबसाइट तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करोगे आप डायरेक्टली लॉरिटे कॉलेज के वेबसाइट पे एंटर कर जाओगे ठीक है तो सबसे पहले मुझे आप लोगों को बताना है कोर्स ऑफर सबसे पहले मैं कोर्स ऑफर बता देता हूँ कि क्या क्या कोर्स आप इसमें कर सकते हो तो जैसा कि मुझे यहाँ दिख रहा है बीए बीएससी ऑनर्स जनरल दोनों कुछ दोनों आप कर सकते हो बीए बीएससी ऑनर्स जनरल और दोनों आप कर सकते हो दोनों कोर्स ऑफर किया जाता है अगर आप बीओ और उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये गर्ल्स कॉलेज है सिर्फ नॉट बॉयस ठीक है अगर आप बीए ऑनर्स कर रहे हो तो इसमें से जो आपको सिलेक्ट करना है मीन्स कि सपोज कि यहाँ लिखा हुआ है कॉलेज ऑफर बी ऑनर्स बी एनर्स कोर्सेज इन इंग्लिश एडुकेशन कौन कौन सा कॉलेज में मीन्स की सब्जेक्ट में आपको ऑनर्स किया जा दिया जाता है इस कॉलेज से आप इंग्लिश में बी एनर्स कर सकते हो एडुकेशन हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी इसमें कर सकते हो ऑनर्स ठीक है अ कैंडिडेट विशिंग टू अप्लाई फॉर बी एनर्स मस्ट टू चूज हर ऑनर्स सब्जेक्ट फ्रॉम एनी ऑफ द अब एंड हर टू इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप वन टू सेवन गिवेन बिलो मतलब बोल रहा है कि आपको जो सब्जेक्ट में ऑनर्स करना है ठीक है उसके बाद ये सब ग्रुप जो दिया हुआ है सात सब में से दो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है लेकिन कोई भी एक ग्रुप से दो नहीं मतलब कि अगर एक सब्जेक्ट तो मैफिक्स है मान लीजिए हम इंग्लिश में ऑनर्स करना चाहते हैं तो इंग्लिश तो एक में कंपलसरी उसके बाद दो सब्जेक्ट हमें चुनना है तो मान लीजिए हम एक हिस्ट्री चुने और एक हम साइकोलॉजी चुने ठीक है तो इस, इस कोई बच्चा ऐसा नहीं कर सकता हिस्ट्री में दोनों चुन के कर सकते नहीं ये ऑप्शन में मतलब कोई हर ग्रुप से कोई एक ही चुन सकते हो आप क्लियर हो गया इस हिसाब से आप कर सकते हो अगर आप जर्नलिज्म कर रहे हो मे बी टेकन विथ फिल्म स्टडी या ह्यूमन राइट्स में से कोई एक ले सकते हो द चॉइस ऑफ टू इलेक्टिव सब्जेक्ट फॉर साइकोलॉजी बी ऑनर्स इंग्लिश एजुकेशन हिस्ट्री ये दोनों जो भी अगर साइकोलॉजी ऑनर्स कर रहे हो बी का ये दोनों में से कोई चुन सकते हो दो इंग्लिश एजुकेशन या फिर इंग्लिश हिस्ट्री चुन सकते हो ठीक है और उसके बाद अगर आते हैं स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर एजुकेशन ऑनर्स विदाउट एजुकेशन एज सब्जेक्ट एट हायर सेकेंडरी लेवल मतलब अगर आप एजुकेशन ऑनर्स करना चाह रहे हो इस कॉलेज से लेकिन आपका हायर सेकेंडरी में एजुकेशन सब्जेक्ट ही नहीं है तो उन लोग को पता तो उन लोगों को मस्ट ये सब सब्जेक्ट होना ही चाहिए साइकोलॉजी फ़िलोसफी मैथेमेटिक्स बिजनेस मैथ नहीं सिर्फ मैथेमेटिक्स सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ये सब सब्जेक्ट होना चाहिए तभी आप एजुकेशन ले सकते हो ठीक है उसके बाद बस सी ऑनर्स बी एस सी ऑनर्स अगर बी आप बी एस सी इन जोग्राफी कर सकते हो तो ये दोनों में से दो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है आपको इकोनॉमिक्स मैथ्स में से कोई एक पॉलिटिकल साइंस ह्यूमन एर्ट्स में से कोई एक बी एस सी ऑनर्स ऑफ साइकोलॉजी में कर सकते हो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में यहाँ बताया जा रहा है इकोनॉमिक्स मैथ्स में से कोई एक एजुकेशन हिस्ट्री पॉल साइंस में से कोई एक इकोनॉमिक्स में कर सकते हो ऑनर्स तो आपका मैथमेटिक्स कंपलसरी है यहाँ पर हर जगह कंपलसरी है मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स ऑनर्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको इकोनॉमिक्स होना जरूरी नहीं है ट्वेल्व में लेकिन मैथ्स होना जरूरी है तो ये चीज़ क्योंकि मैथ्स का बहुत सारा एप्लीकेशन रहता है उसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस ह्यूमन राइट्स में से कोई एक ठीक है अगर आप बी जनरल कर रहे हो तो कोई भी इसमें से एक सिलेक्स एक आप कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो ठीक है क्या लॉरेटो कॉलेज ऑफर बी जनरल कोर्स विद एनी थ्री इलेक्टिव फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कोई भी थ्री सेलेक्ट कर सकते हो इसमें से उसमें ऑनर्स कर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एजुकेशन हिस्ट्री एजुकेशन इंग्लिश हिंदी बंगाली जोग्राफी पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश हिंदी बंगाली इकोनॉमिक्स हिस्ट्री लो एजुकेशन पॉलिटिकल साइंस में जिसमें स्लैश दिया उसमें से मतलब जैसे कि इसमें से आपको कोई एक ही चुनना है बाकी दो इसमें से कोई आपको एक ही चुनना है बाकी दो ये सब जनरल जनरल में आपको कोई तो पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट में ऑनर्स कर नहीं रहे हो तो वैसे ही होगा और बीएससी जनरल में आप आपको यही सब्जेक्ट से किया जाता है ये तीन सब्जेक्ट दिया जाता है ये तीनों सेलेक्ट करके आपको करना है ठीक है और कंपल्सरी क्या है इस इस कॉलेज में इंग्लिश कंपल्सरी है इंग्लिश आपको कंपलसरी दिया जाएगा ठीक है हिंदी बंगाली और अल्टरनेटिव इंग्लिश में से कोई एक कंपल्सरी रहेगा ठीक है तो ये था आपका आपको लोकेशन पता चल गया आपको कोर्स ऑफर पता चल गया आपको पता चल गया क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या सब्जेक्ट होता है उसके बाद अगर हम एडमिशन प्रोसेस से बात करें इसमें एक और चीज मुझे बताना है कि इसमें एक दो कोर्सेस और होता है आप एम कर सकते हो इंग्लिश में आप एम कर सकते हो बी कर सकते हो और एम कर सकते हो आप इंग्लिश में ठीक है ये दो तो सब्जेक्ट था यहाँ पे मेंशन था मैं बता दूँ अब इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है एडमिशन प्रोसेस हर एक कॉलेज का सेम है यू फॉर अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्स आप कर रहे हो तो इसके लिए मेरिट के बेसिस में होगा एडमिशन अगर आप पी जी पी जी मीन्स की एम कर रहे हो एम कर रहे हो उसके लिए आपको मेरिट में भी होगा मेरिट का मार्क्स लेगा प्लस आपका इंटरव्यू भी होगा और मेरिट और आपका एंट्रेंस टेस्ट भी होगा एंट्रेंस टेस्ट भी होता है पी के लिए और अगर आप बी कर रहे हो तो मेरिट के बेस में भी एडमिशन मेरिट का बेस और इंटरव्यू दोनों ही होगा ठीक है अब क्लियर हो गया सो so, अब मुझे बताना है कि एलिजिबिलिटी क्या होता है एलिजिबिलिटी जैसे कि आपको पता है कि ये लॉरिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कलकाटा लिखा हुआ एफिलेटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा है तो इसका एलिजिबिलिटी मीन्स कि जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलका में होता था कि लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मीनस की ट्वेल्थ में आपको फोर्टी लाना पड़ेगा बट ये कॉलेज में क्या है कि आपको फिफ्टी लाना पड़ेगा लास्ट एग्जामिनेशन साठ परसेंट होना चाहिए मान लीजिए मुझे इंग्लिश में ऑनर्स करना है तो टोटल में तो मुझे पचास परसेंट ज्यादा लाना ही है बट तो इंग्लिश में भी सिक्सटी परसेंट लाना है मतलब साठ मार्क्स लाना है टोटल में भी पचास परसेंट से ज्यादा लाना है और इंग्लिश में प्लस साठ परसेंट भी लाना है सब चीज़ होने के बाद वही एलिजिबिलिटी है तब तो आप उसके बाद फॉर्म फिलअप कर लोग उसके बाद जैसे जैसे मार्क्स जिसका ज़्यादा आएगा मेरिट के बेसिस में आपका एडमिशन होते रहेगा मेरिट के बेसिस पे जिसका पहले होगा उसका एडमिशन होते रहेगा ठीक है उसके बाद मुझे बताना आई थिंक सो लोकेशन बता दिया कोर्स ऑफ और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिर आपको एडमिशन प्रोसेस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया एक लास्ट है फीस बताना मुझे तो फीस जैसे कि आप देख सकते हो तो इस, इसी का पीडीएफ है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है फीस डिटेल्स फॉर 2021 ट्वेंटी वन क्वार्टरली है ठीक है क्वार्टरली मीन्स कि चार चार महीने करके है ये Q3 मतलब चार चार महीने के लिए है तो इसका फीस जैसे कि आप देख सकते हो मीन्स यहां सेकंड जैसे कि ट्यूशन फीस फॉर जैन टू जैन टू अप्रैल मतलब एक क्वार्टर का फीस है छह सौ रुपया फिर मेंटेनेंस का फीस ले रहा है चार हजार रुपया और सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स मतलब कि मीन्स जैसे कि ये सर ह्यूमन राइट्स सोशियोलॉजी और स्टेटिस्टिक्स ये सब कोर्स अगर आप लिए हो अपने सब्जेक्ट में तो आपको एक्स्ट्रा टू थाउजेंड रुपया पे करना पड़ेगा सेशन फीस है दो सात सौ पचास वेबिनार फीस है 400 तो लगभग अगर आपका अगर आपका टोटल फीस चार महीने के लिए कितना होता है अगर सेल्फ फाइनेंसिंग जो कोर्स ऊपर ये वाला ये वाला चीज़ आप नहीं लिए हो तो सात हज़ार महीने का लगेगा अगर आप इसमें से कोई एक लिये हो तो आपका लगभग नौ हजार सात सौ पचास लगे अगर आप दो लिए हो तीनों में से दो लिए हो आपका लगभग ग्यारह हजार सात सौ पचास पड़ेगा चार महीने का आई थिंक सो सब कुछ हो गया और सारा चीज पेड करना ऑनलाइन डेबिट कार्ड थ्रू क्रेडिट कार्ड के थ्रू ठीक है या फिर कैश में पे करना है तो आप इसका एस ब्रांच का बैंक डिटेल्स हो वहाँ पे जाके पे कर सकते हैं आई थिंक सो आपको सब चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल गया है ठीक है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा मैं कमेंट में बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कट ऑफ क्या है देखना पड़ेगा कि इस बार कट ऑफ क्या है क्योंकि एग्जाम नहीं हो रहे हैं तो कट ऑफ चेंज हो बहुत चेंजेस होगा इसलिए तो वो देखना पड़ेगा ठीक है और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए इस मीन्स इस कॉलेज के हिसाब चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए या फिर मैं इंस्टाग्राम लिंक दे दूंगा वहाँ से आप मुझे पर्सनली मैसेज करके आप मुझे डिटेल्स में कोई भी क्वेरी कर सकते हो या फिर कोई भी क्वेरी आप कमेंट में पूछिए मैं डेफिनेटली सबको रिप्लाई करता हूँ आपको भी रिप्लाई करूँगा सो so, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा सो थैंक यू सो मच और कोई और वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट में मुझे बताइए